ही ने ये कहा जो नमाज कायम करते हैं, नमाज। अच्छा इतना तो आप लोग जानते हैं ना कि नमाज कायम करना और नमाज पढ़ने में कुछ फर्क है, है, है? नहीं जानते? अल्लाहु अकबर। चलिए खैर थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एक होता है पढ़ना, एक होता है कायम करना। हालांकि इस्लाह है मुआशरा का जलसा कल है, तो सोचा था सब नमाज नमाज वहां रहेगा, लेकिन चलिए एक डोज यहां भी देके जा रहा हूं। कल कहां पे है प्रोग्राम? खोजबल में। खोज खोज के बताऊंगा इंशाल्लाह। आइए खोज वहां रखिए, बल यहां दीजिए पूरी तवज्जो के साथ। कायम करने का मतलब होता है स्थापित करना, और आसान कर दूं तो इस्टैब्लिश करना। अल्लाह पाक फरमा रहा है नमाज कायम करो, मतलब अपनी नमाज को स्थापित करो। इस्टैब्लिश योर फाइव टाइम्स प्रेयर। इसको यू भी समझ सकते हैं कि शेड़ बनना सबका सपना है, और हमारे इस क्षेत्र के लोग तो शेड़ बनने के लिए अपना वतन छोड़ देते हैं। कहीं कभी वीजा लगे बस इंडिया ना हो बाहर। खैर हिजरत में बरकत है, चले जाते हैं। क्यों? ताकि शेड़ बन जाए। लेकिन अच्छी तरह मालूम है कि शेड़ बनने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक पैसा कमाना जरूरी है, क्या? और दूसरा कमाए हुए माल को बचाना जरूरी है। कमा रहे हो बचाना नहीं आता, कभी सेठ नहीं बन पाओगे। 1 लाख रुपया रोज कमाओ और 2 लाख रुपया रोज उड़ाओ, कभी सेठ बन पाओगे? चाहे जितने बड़े स्कूल के टीचर रहो, कुछ ही दिन में फटीचर हो जाओगे, क्योंकि आवक से ज्यादा जावक है। एक साथ पैसा कमा कमा के तिजोरी में डाल लेते, घर के चोर की नजर पड़ जाए। अच्छा यहाँ ताबीज टांगता, यहाँ चाबी टांगता, ठीक है तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता। वो डालता रहा ये निकालता रहा, वो डालता रहा ये निकालता रहा, और जब साल भर के बाद तिजोरी खोली तो अटैक आ गया, कुछ था ही नहीं। प्रॉब्लम क्या था सेठ जी का? कमाना आता था लेकिन बचाना, जोर से बोलो, नहीं आता। और अब तो मियां बचाना भी खतरे से खाली, पता नहीं कब कौन पागल नोटबंदी करते। तो बचाओ भी तो कहीं और बचाओ, घर में ना बचाओ। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो जहन को वही नहीं। ऐसे ही नमाज कायम करना। सो इफ यू वॉन्ट टू एस्टेब्लिश योर 5 times प्रेयर, देन यू हैव टू डू 2 most important things। फर्स्ट टू रीड योर नमाज, एंड सेकेंड टू प्रोटेक्ट योर नमाज। नमाज का पढ़ना जरूरी, और दूसरी चीज पढ़ी हुई नमाज को बचाना जरूरी। पढ़ना तो इतना आसान है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वर्शिप। इतनी आसान इबादत कि न कोई परेशानी न कोई हैरानी, अल्लाह की मेहरबानी, सिर्फ एक लोटा पानी। ये मैं कोई शायरी नहीं कर रहा हूं, एक लोटा, एक चंबू पानी जो है इनफ। और अब तो जब से चंबुओं ने चंबू छोड़ा, हमने भी चंबू पे भरोसा छोड़ा। अब तो मस्जिद में टोटी है छरछर छरछर पानी, कितनी है आसान, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे। इतनी आसान इबादत, हद से ज्यादा आसान इबादत। सुकून के साथ नियत बांध के खड़े होके पढ़ लो, एक पैसे का खर्च नहीं। जकात तो पूरा टैक्स है, उसमें तो अच्छा खासा खर्च है। हज में भी पैसा बहुत लग जाता है, पूरी पूरी उम्र की कमाई निकल जाती है। रोजे में भी खर्चा है, ये भजिए का खर्चा, ये ढोकले का खर्चा, ये खमन का खर्चा, ये पकौड़ी का खर्चा, ये बिस्किट का, ये कबाब का। लेकिन नमाज ऐसी इबादत है कि बंदा हो वो भी पढ़े, बंदा नवाज हो वो भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, गरीब नवाज भी पढ़े, मुरीद भी पढ़े, मुराद भी पढ़े, खादिम भी पढ़े, मखदूम भी पढ़े, अमीर भी पढ़े, फकीर भी पढ़े। एक पैसा खर्च नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज।